शुरुआत में अहम खबर पर नजर डालते हैं। एसओजी ने बहरोड फायरिंग मामले में दो बदमाश कैलाश गुर्जर और विनोद स्वामी को न्यायाधीश के निवास पर पेश किया, जहां न्यायाधीश ने दोनों बदमाशों को 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। इस मौके पर इस मामले के जांच अधिकारी एसओजी एएसपी करण शर्मा से बातचीत की संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। पपला गैंग के दो मेंबरों को आज जज के निवास पर पेश किया गया और खुद जांच अधिकारी करण शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, कितने दिन के रिमांड दिया गया जाना चाहिए? आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया है दोनों को। इन्होंने 5 दिन का पीसी रिमांड हमें दिया है, उसके बाद जो जांच में आएगा और भी प्राप्त करेंगे। सर, किस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है? माना जा रहा है कहीं सूचना यानी कि एनकाउंटर भी कर दिया गया, टीमों भी गई हुई है, हरियाणा भी गई हुई है, क्या कुछ सूचना यानी? अब भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और कई जगह की इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। सर, थाना किसी भी व्यक्ति की भी मिलेवत सामने आ रही, कोई हेड कांस्टेबल है उसकी मिलेवत सामने इस पूरे मामले में? तो अभी केवल इन्वेस्टिगेशन पर अपना ध्यान लगाए हुए हूँ, बाकी चीज़ें अभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो ये थे एसपी करण शर्मा, जिन्होंने बताया कि 5 दिन के रिमांड पर और उनको सौंपा गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और साथ साथ अब क्या होगा इनका साफ इस बात का कहना था कि जरूर अब जो पपला है और उनकी टीम है उनका एनकाउंटर ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसके पास AK-47 है उसको देखते हुए ईआरटी की टीमों को यहाँ बुला लिया गया है और अनुमान जताया जा रहा है कि पपला को पहले गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा।